बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल हैरियत से होंगे। तसव्वुर फूड सीक्रेट्स में मैं हूं मैरा तसव्वुर। आज आपके साथ एक बहुत ही चटपटी सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूं, जो कि है गोलगप्पों की। आज हम गोलगप्पे बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो चले इससे पहले कि रेसिपी को मज़ीद आगे बढ़ाएँ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए रेसिपी को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे है हमारे पास सूजी 2 कप, मैदा लिया है हमने 1 कप, थोड़ा सा हम इसमें नमक डालेंगे। तो चलिए रेसिपी को आगे बढ़ाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूजी है हमारे पास 2 कप और मैदा है हमारे पास 1 कप। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे बिल्कुल थोड़ा सा नमक टेस्ट के लिए। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके हम इसको गर्म पानी से गूंद लेंगे। ये पानी आप चेक करें, हमारे पास इतना गर्म है कि इसमें से स्टीम निकल रही है। आटे को हम उतना ही नरम रखेंगे जितना कि आम रोटी बनाने के लिए हम अपना आटा रखते हैं। नरम या सख्त जैसा भी आप रखती हैं, इसको भी हम बिल्कुल वैसा ही रखेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी से इससे गोलगप्पे बनते हैं। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि आज मेरा किचन चेंज है, तो मैं अम्मी के घर आई हुई हूँ। मैं और भाभी मिलके इन्हें बना रहे हैं कुछ चटपटा सा, फिर हम आपको दिखाते हैं। इसको अच्छे से हम गूंद लेंगे। आटा जितना अच्छा गूंदा होगा गोलगप्पे उतने ही मज़े के बनेंगे। ये चेक करें, आटा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। यहाँ पे हम इसको रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। उसके बाद जब हम इसको पकेंगे तो एक दफ़ा फिर से हम इसको इसी तरह से आपस में अच्छे से मिला लेंगे। वैसे आप ये चेक करें, हमारा आटा ज़बरदस्त हो चुका है। इसमें हमने कोई ऑयल नहीं डाला, कोई बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर वगैरह नहीं डाला कुछ भी। ये चेक करें, इसको हम रख देते हैं कवर करके। 15 से 20 मिनट के बाद फिर हम आपको बताते हैं कि मज़ीद आगे क्या करेंगे। जी तो ये चेक करें, हमने अपने गोलगप्पे काट लिए हैं। एक का साइज़ थोड़ा छोटा है और एक का बड़ा है। चलें वो छोटे साइज़ वाले छोटे खा लेंगे। ये जो हमारी एक्स्ट्रा साथ से निकल रही है, इसको वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसको दोबारा से हम पेड़ा बना के दोबारा से बेल लेंगे। तो इस तरह से हम इसके अंदर से ये निकाल लेंगे, साथ में यहाँ पर रखते जाते हैं। वैसे ये पापड़ी के तौर पर भी बहुत मज़े की बनती हैं, चाय के साथ बहुत मज़े की लगती हैं, या चाट पे डाल के खाएं। तो इस तरह से ये इजीली अंदर से इसके जो है ना जी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। तो डालते हम इसको ऊपर से हल्का सा दबाते जाएंगे। ये चेक करें, देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छे से सारे फूल रहे हैं। चूल्हे को थोड़ा आहिस्ता कर लेंगे क्योंकि ऑयल हमारा अच्छे से गर्म है। तो ये
ये हमारे गोलगप्पे बन चुके हैं, इनकी आप आवाज़ चेक करें, एक अंदर ज़्यादा फ्राई हो गया। चले कोई बात नहीं, इसको हम फिर निकाल लेंगे। इसी तरह से हम अपने सारे के सारे गोलगप्पे फ्राई कर लेंगे। इसके साथ ही हम गोलगप्पे फ्राई करने के बाद आपको बताएंगे इसके साथ खट्टा पानी और मीठी चटनी हम किस तरीके से तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हम बनाने जा रहे हैं गोलगप्पों की मीठी चटनी। इसके लिए हमने पानी लिया था 1 कप और एक्स्ट्रा जो नज़र आ रहा है, तो इसमें हम चीनी डालेंगे 1/2 कप। इसको हम अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। जब चीनी हमारी मेल्ट हो जाएगी तब हम इसके अंदर डालेंगे इमली का पल्प या शामिल करेंगे हम इसमें 3 से 4 चम्मच। ये वो मीठी चटनी है जो गोलगप्पों के साथ हमें बाज़ार से मिलती है, बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट आता है और बहुत ही इजी तरीके से ये बन जाती है। ये देखें, ये हमारे पास इमली का पल्प है जिसके अंदर से अभी मैंने गुठली अलहदा नहीं की, हम सिर्फ इसका पल्प यूज़ करेंगे। इस इमली के बाद में हम एक और खट्टी मीठी चटनी बना लेंगे। ये देखिए, बस हमें इतना ही चाहिए। इसको हम अच्छे से पका लेंगे। एक से दो मिनट पकाने के बाद इसके अंदर हम कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे जिससे ये थिक हो जाएगा। यहाँ पे हम इसमें शामिल करेंगे कॉर्नफ्लोर और साथ ही साथ इसको हम हलाते जाएंगे। जी ये देखेंगे, हमारी रेडी हो चुकी है चटनी। यहाँ पे हम इसके अंदर कलर शामिल करेंगे। इसके अंदर हम ये फूड कलर शामिल कर देंगे। ये देखिए, इसका साथ ही कलर चेंज होना शुरू हो गया। बस इतना ही हमें चाहिए, बहुत ज़्यादा हम इसमें कलर ऐड नहीं करेंगे। इसके साथ हम इसमें शामिल कर देंगे थोड़ा सा काला नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, बस। अब इन चीज़ों को हम मिक्स करके 1 मिनट तक पकाएंगे और चूल्हे को बंद कर देंगे। चटनी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और ये है हमारी स्पेशल मीठी चटनी गोलगप्पों के लिए। जी तो ये देखें, हमने जग में पानी ले लिया है, इसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच नमक भर के सादा, साथ हम इसमें डालेंगे काला नमक, हाफ स्पून, साथ हम इसमें शामिल करेंगे पुदीना। पुदीने का टेस्ट अंदर बहुत ही ज़बरदस्त आता है इसलिए मैं इसको लाजमी डालती हूँ। और साथ हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून हम इसमें शामिल करेंगे साथ टाटरी, साथ हम इसमें शामिल करेंगे चाट मसाला, वन स्पून। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे और उसके बाद फिर जो है ना ग्राइंड करने के बाद हम आपको दिखाएंगे। जी तो ये देखें, हमारे गोलगप्पे माशाल्लाह रेडी हैं, बहुत ही क्रिस्पी से ये बने हैं। तो ये आप चेक कर सकते हैं, ये हमारे साथ, इसके साथ हमने रखा है, बनाया है खट्टा पानी और साथ में मीठी चटनी। अगर आप सबको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं आपके साथ किसी और नई चटपटी सी रेसिपी में, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।